नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके पाठक, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक विशेष प्रकार की बीमारी के विषय में चर्चा करूंगा। उस बीमारी का नाम है विटिल्गो। विटिल्गो को ल्यूकोडर्मा कहते हैं और व्हाइट पैसेज भी कहते हैं, और हिंदी में इसे जो है सफ़ेद दाग कहते हैं, आयुर्वेद में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुष्ठ रोग के नाम से लोगों को भय लगता है कि यह एक प्रकार का कुष्ठ रोग है, लेकिन यह कुष्ठ रोग नहीं है, यह एक जो है वो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है। दोस्तों, इसका कोई विशेष कारण पता नहीं है, इसका कारण बिल्कुल अभी अननोन है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये बीमारी होती है। इसका एक सिद्धांत ये भी है कि यह जो है उन व्यक्तियों में होता है जिनके स्किन में पाए जाने वाले मेलेनोसाइट नामक सेल्स से जो है एक प्रकार का पिगमेंट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। उस पिगमेंट का नाम है जो है मेलानिन पिगमेंट। ये इसकी कमी के कारण जो है वो सफ़ेद दाग हो जाता है। अगर ये अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है मेलानिन पिगमेंट, तो व्यक्तियों का रंग सांवला हो जाता है। यदि कम होता है तो गोरा होता है, और बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है तो उसमें सफ़ेद दाग जैसी शिकायत हो जाती है। अब दूसरा जो है वो सिद्धांत ये है कि जिन व्यक्तियों में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, वह उन्हें लंबे समय से एमीबियासिस की शिकायत होती है, उनको भी ये रोग होने के चांस होते हैं। दोस्तों, इसका अन्य कारण ये भी है कि यह शरीर में सोडियम व पोटेशियम का जो है रेशियो इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये रोग होने के चांसेस होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, अर्थात काफ़ी समय से तनावग्रस्त रहता है, तो उन व्यक्तियों में भी ये विटिल्गो होने के चांसेस होते हैं। यदि किसी आपके पड़ोसी, रिश्तेदार व परिवार के सदस्य को ये विटिल्गो की बीमारी हो गई है, तो आप उनसे दूरी न बनाएं, उनके प्रति जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, और उनको ऐसा न लगे कि हमसे लोग दूरी बनाते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति को इस बीमारी में अधिक आराम मिलेगा। और अंत में मैं कुछ होम्योपैथिक दवा बताना चाहता हूँ जिससे ल्यूकोडर्मा या विटिल्गो में काफ़ी कुछ आराम मिलेगा। पहली होम्योपैथिक दवा है आर्सेनिक सल्फ्लेबम 6 पावर की। इसको उन व्यक्तियों को लेना है जिनमें ये सफ़ेद दाग में जो है इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता हो, पेन हो, और पेट में कुछ जलन महसूस होती हो, वॉमिटिंग लगती हो, और डायरिया हो जाता हो, तथा रेस्टलेसनेस हो, एंजाइटी हो, अगर ऐसी स्थिति है तो उन व्यक्तियों को जो है ये आर्सेनिक सल्फ्लेबम की 6 पावर की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लगभग 3 महीने तक दें। यदि आराम लगता है तो आगे इसे कंटिन्यू रखें, तो व्यक्ति को इस बीमारी में आराम मिलेगा। अगली दवा है CPR 200। यह उन व्यक्तियों को देना है जिनके व्हाइट पैचेस जो एलोइस और ब्राउनिस हो, तथा वह व्यक्ति इरिटेबल हो, अर्थात गुस्सा आता हो, रेस्टलेसनेस हो, परिवार के प्रति या जिन व्यक्तियों को अधिक प्यार करता है उनसे जो है लगाव कम हो गया हो। अगर मरीज महिला है तो उसके जो है MC में इरेगुलरिटी होगी, व जो है यूटराइन डिसऑर्डर होगा या कोई डिजीज़ होगी, और वो उसको ऐसा महिला पेशेंट को महसूस होता है कि उसके गुप्तांग से कोई चीज़ बाहर आ रही है, व उससे जो है सेक्स डिज़ायर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको CPR 200 सुबह शाम दीजिए लगभग 3 महीने तक, और अगर आराम लगता है तो आगे कंटिन्यू रखिए, ज़रूर आराम मिलेगा। अगली दवा है सिफ्लेनम 200। यह उन व्यक्तियों को देना है जिनके व्हाइट पैसेज रेडिस ब्राउनिस हों, और उनकी सभी बीमारियों के लक्षण रात में बढ़ जाते हों, तथा सुबह उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही हो। अगर यह स्थिति है तो सिफ्लेनम की 2-2 बूंद सुबह 3 दिन तक कंटिन्यू दें, इसके बाद जो है 14 दिन बाद फिर रिपीट करें, तो आराम मिलेगा। अगली दवा है बेसिलिनम 200। ये उन व्यक्तियों को देना है जिनके जो है कुछ गले में इन्फेक्शन हो, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो, तथा ये व्यक्ति जो है
कमजोरी महसूस करता हो, हल्का हल्का बुखार आ जाता हो, अगर ऐसी स्थिति है व उसके जो है परिवार में ट्यूबरकुलर हिस्ट्री हो, व्यक्ति के गले में जो है ग्लैंड्स हो सकती हैं, अगर ऐसी समस्या है तो वैसिलिनम 200 की 2 बूंद प्रत्येक दिन सुबह दीजिए 3 दिन तक। इसके बाद 14 दिन बाद जो है फिर इस दवा को रिपीट कीजिए और लगभग 3 महीने तक देते रहिए, आराम मिले तो कंटिन्यू रखिए। बाद में दो ऐसा मदर टिंचर बताना चाहता हूँ जिसको लेने से जो है ल्यूकोडर्मा में काफ़ी कुछ आराम मिलेगा। एक मदर टिंचर है सोरालिया क्यू, दूसरा है अमीबिस्नेगा क्यू। ये दोनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में ले लीजिए और सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए और इसको लगभग 3 महीने तक कंटिन्यू रखिए। अगर आराम दिखाई देता है तो इसको आगे चलाते रहिए। और अंत में मैं एक ऐसा दवा बताना चाहता हूँ जो पहले बताई गई सभी दवाओं के साथ चल सकता है, उस दवा का नाम है मिका 30। ये सभी मरीजों को दिया जा सकता है। ये एक ल्यूकोडर्मा की जो है स्पेसिफिक मेडिसिन है, इसकी मिका 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देते रहिए और लगभग 3 महीना तक इसको भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आराम महसूस होता है तो आगे कंटिन्यू रखिए, ज़रूर आराम मिलेगा। दोस्तों, एक होम्योपैथिक आयल आता है जिसका नाम है आयल बबची, इसका इस्तेमाल ल्यूकोडर्मा में किया जाता है। आपको करना क्या है कि इसको सुबह शाम धीरे धीरे जो है कुछ देर तक पैचेस पर मसाज करना है। सुबह लगाइए तो कुछ देर के लिए धूप में बैठ जाइए, जिससे अधिक आराम मिलेगा। और अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों को ये ल्यूकोडर्मा की शिकायत है उनसे आप लोग दूरी न बनावें, जिससे उसको ये लगे कि हमें ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर व्यक्ति को स्ट्रेस होगा तो उस व्यक्ति को जो है वो ये दवाइयाँ व उसके इस रोग में आराम बहुत देरी से मिलेगा, अतः उस व्यक्ति को स्ट्रेस नामक चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको स्ट्रेस व एंजाइटी है तो उसको ये बीमारी और अधिक तेज से फैलेगी। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, आप लोग दोस्तों याद रखिए। और अंत में मैं आपको कुछ परहेज बताना चाहता हूँ, जैसे आप नमक कम इस्तेमाल करें और दूध व दूध से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करें, तथा सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा, मौसमी व खट्टे पदार्थ जैसे अचार जो है या अन्य इमली जैसी खटाई का इस्तेमाल न करें तो आपको और जल्दी आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।